से इंस्टाग्राम, मेटा इंस्टाग्राम हुआ है, उसके बाद से इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, जिसमें से एक सेटिंग ऐसी भी है कि जब भी हम अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट करने के लिए इसमें डीएक्टिवेट का ऑप्शन अब नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप अपने अकाउंट को ईजिली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले अपने अकाउंट को क्रोम में लॉगिन कर लेना है। क्रोम में आ जाने के बाद आपको इसमें ब्राउज़र में आपको इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है और उसमें आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ऐप में ओपन करते हैं वैसे ही क्रोम में लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्रोम में लॉगिन हो गया हूँ। क्रोम में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जस्ट इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट। टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर दिया है, जस्ट नीड अ ब्रेक। और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, ये पूछ रहा है टू कंटिन्यू री एंटर योर पासवर्ड। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ टेम्पररी डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाता है और लॉग आउट हो जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके का लॉगिन के लिए दोबारा मांग रहा है। अब ये अकाउंट हमारा टेम्पररी 30 दिन के लिए डीएक्टिवेट हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको 30 दिन के अंदर दोबारा से इसमें नॉर्मली अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं और ये आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाता है और आप तब अपने अकाउंट को री लॉगिन करना चाहेंगे, तब आपका अकाउंट री लॉगिन नहीं होगा और आपका अकाउंट, अपना जो आपका अकाउंट होगा वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी कुछ नई सेटिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो दबा देना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।